आज मैं एक ऐसी गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम शायद ही कुछ ही लोगों ने सुना होगा। इस कंपनी के पास इंडिया में अराउंड 740 एकर लैंड बैंक पड़ा हुआ है और ये कंपनी हमारी स्पिन ऑफ हुई थी VSNL जो कि एक टेलीकॉम कंपनी थी। इस कंपनी को टाटा कम्युनिकेशन ने एक्वायर किया था, लेकिन डील स्ट्रक्चर जो था उसके अंदर ये डिसाइड हुआ था कि जो VSNL का लैंड बैंक जो होगा वो एक सेपरेट लिस्टेड कंपनी बनेगी। तो इस कंपनी का नाम है हमारा हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज़। ये कंपनी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रेटेजिक लैंड मोनेटाइजेशन बिजनेस में है और कंपनी के फिलहाल रेवेन्यू ज़ीरो हैं, क्योंकि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो है इस लैंड को आगे जाके मोनेटाइज करना, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बिजनेस के अंदर कुछ फंडिंग भी करी है, जिसका रीज़न है इसकी बैलेंस शीट में कुछ पेमेंट्स हैं इस लैंड बैंक को रिलेटेड, वो है हमारी स्टैम्प ड्यूटी। कंपनी की अराउंड 600 से ऊपर की स्टैम्प ड्यूटी जो है 600 करोड़ से ऊपर की, उसके लिए उनको पेमेंट करनी है, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको थोड़ी सी फंडिंग दी है प्रेफरेंशियल शेयर्स दे के, जिनका कन्वर्टेबल होगा अराउंड 10 साल के टाइम पीरियड के अंदर, और उसके अंदर हमारा जो टाइम पीरियड का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उन्होंने दिया हुआ है वो 0.01% का है। अब इस कंपनी के हम लैंड एसेट्स की अगर बात करें तो कंपनी की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये बोला हुआ है कि कंपनी के जो छतरपुर इंडिया के अंदर जो दिल्ली के अंदर उनकी एक सिटी है उसके अंदर ग्रेटर कैलाश, प्लस कंपनी के कुछ और लैंड एसेट्स हैं हमारे पुणे चेन्नई जैसी सिटीज़ के अंदर, उनकी जो मार्केट वैल्यू जो है उससे अच्छा उन्होंने फेयर वैल्यू अपनी एनुअल रिपोर्ट में बताई हुई है, जिसकी वैल्यू अराउंड 10,000 करोड़ से ऊपर की है। लेकिन अगर आप गूगल पे इस कंपनी के मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एसेट्स की बात करें तो वो अराउंड 19,000 करोड़ से ऊपर की आती है। तो मैं इस कंपनी को एक एज अ थीमेटिक स्टोरी पे काम कर रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुकी है और स्टैम्प ड्यूटी और लैंड लिटिगेशन वाले प्रोसेसेस जो हैं वो हमारे कवर हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके कंपनी के अंदर हमारी मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड एसेट्स होगा। अब इंडिया में एक कंपनी जिसके पास इतनी बड़ी लैंड पड़ी हो और इंडिया में कुछ ऐसी थीम्स पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा हो, जैसे कि डेटा सेंटर्स, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी जो हमारी सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज खुलनी है, उन पे मुझे लगता है कि इस कंपनी का कुछ ज़्यादा बेनिफिट होगा इस लैंड को डेवलप करने का। तो कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो एक IAS ऑफर के हाथ में है और उन्होंने इस लैंड वैल्यू को जो मोनेटाइज करने का तरीका सोचा है वो है कि एक जॉइंट वेंचर भी बना सकते हैं, ताकि उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिल जाए जो कि उनकी लैंड पे आके अपनी डेवलपमेंट करे और रेवेन्यू शेयर मॉडल पे कंपनी आगे चल जाए। तो मैं इस कंपनी को एक एज अ सेफ बेट सोचता हूँ, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जहाँ पे लैंड अवेलेबिलिटी है काफ़ी कम, और अगर एक कंपनी के जिसके सारे लीगल प्रोसेसेस आपकी स्टैम्प ड्यूटी और जितनी भी लीगल प्रोसेसेस हैं वो अगर हमारी ठीक हो जाए तो मुझे लगता है इस कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बहुत बढ़िया है। अब इस कंपनी के एक और प्रमोटर की हम बात करें जिसको रिसेंटली पब्लिक शेयर होल्डर के नाम से भी अब जाना जाता है, उसका नाम है टाटा सन्स। टाटा सन्स का इस कंपनी के अंदर अराउंड 21% का स्टेक है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अराउंड 51% का स्टेक है। तो ये दोनों स्टेक्स अगर हम इंक्लूड कर दें तो ये 70% से ऊपर की स्टेक्स इस टाइम बन रही हैं। तो आपको ये पता चल गया है कि दो इन्वेस्टर्स के पास मोर देन मेजॉरिटी स्टेक पड़ा हुआ है, और ये दोनों अगर मिलके इस लैंड वैल्यू को अच्छी तरीके से अगर मोनेटाइज करें
तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने जो छतरपुर वाली लैंड है उस पे उन्होंने सोचा हुआ है, जिसकी फेयर वैल्यू उन्होंने बोली अराउंड 700 करोड़ की, उसके अंदर उन्होंने सोचा है कि वो 100 फेयर फार्म हाउसेस जो है वो कट करेंगे एज अ प्लॉट साइज। तो उनके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं इंडिविजुअल बायर्स की, और दिल्ली जैसी सिटी के अंदर आपके पास अगर छतरपुर एरिया में आप जाइए तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे सुपर HNI लोग रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो वाली जो जगह है वो इस कंपनी की इजीली सेल आउट हो सकती है। प्लस आपका जो एक और उनका स्ट्रेटेजिक एसेट है जो कि उनका ग्रेटर क्लास के अंदर है, उसकी वैल्यू अराउंड 7,000 करोड़ से ऊपर की है फेयर वैल्यू। तो वहाँ पे उनका कुछ रेजिडेंशियल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स टाइप आ सकता है जिसमें उनको काफ़ी ज़्यादा मोनेटाइजेशन मिले। लेकिन अभी प्रेजेंट डेट पे कंपनी की मार्केट कैप अराउंड 3,000 करोड़ की है, लेकिन अगर कंपनी अपनी एग्रेशन में आ जाए और लैंड वैल्यू पे काम करना शुरू कर दे तो मुझे लगता है कि इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा दम दिखाई दे सकता है आने वाले फ्यूचर में। तो मैं इस स्टॉक को अब स्टडी करना शुरू हो चुका हूँ और हर 3-4 महीने के अंदर इसके अंदर मैं आपकी अनाउंसमेंट भी नोटिस करूँगा कि कंपनी अपनी लैंड मोनेटाइजेशन पे क्या प्रोग्रेस कर रही है। तो आप भी ऐसे कंपनीज को स्टडी करें जो कि इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर हैं और उनके पास स्ट्रेटेजिक लैंड एसेट्स भी अपनी बैलेंस शीट में हैं, क्योंकि ये एक ऐसी लैंड होती है जिसको अगर सेल आउट करें तो कंपनीज को बहुत ज़्यादा कैश इनफ्लो आ सकता है, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट हमारे शेयर होल्डर्स को भी मिलेगा। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस टाटा सन्स मिलके इस कंपनी को बहुत बढ़िया टर्न अराउंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी लोगों को इस कंपनी के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि कंपनी के रेवेन्यूज ही जीरो है। लेकिन आने वाले फ्यूचर के अंदर जब धीरे धीरे कंपनी के हमारी वैल्यू अनलॉकिंग होगी लैंड एसेट्स की, तो मुझे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेट्स दिखाई देती हैं, क्योंकि कंपनी के ऑपरेशंस की अगर बात करें तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं है, और कंपनी के बिजनेस मॉडल में अगर स्ट्रेटेजिक बायर आ जाए डेवलपमेंट करने के लिए तो मुझे लगता है कि कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट कुछ नहीं होगी। तो ये एक सीधा साधा हमारा एक लैंड वैल्यू पे काम करने वाला बिजनेस है जिसका प्रॉस्पेक्ट्स मुझे फ्यूचर में बहुत बढ़िया दिखाई देता है। थैंक यू।